प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश का किसान कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। इंद्री हलके के घेड़ गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह आज तमाम किसानों के लिए मिसाल बने हैं। प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह मशरूम की खेती से लाखों में कमाई कर रहे हैं, दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बने हैं। प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह बताते हैं कि परंपरागत खेती में जैसे गेहूं और धान में किसानों को ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, वहीं मशरूम की खेती सही तरीके से सही समय पर की जाए तो लागत से दोगुना मुनाफा होता है। वहीं उन्होंने तमाम किसानों से भी आधुनिक खेती करने की अपील की है। यह रिपोर्ट आप देखिए। यदि कुछ करने का जुनून हो तो हर कठिनाई दूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया इंद्री हलके के घीड़ गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह ने। प्रगतिशील किसान ने प्राइवेट नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती करना शुरू किया और उसके बेहतर परिणाम भी आने लगे। आज प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह मशरूम की खेती से लाखों में कमाई कर रहे हैं, दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बने हैं। तो हमने नौकरी के साथ साथ अपना ये काम करना शुरू कर दिया, तो इसमें हमने कच्चे शेड पहले लगाए, ठीक है जी, कच्चे शेड लगाए, उसमें कच्चे शेड पे खर्चा कम आता है और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे तो पक्के शेड भी लगते हैं, हमने पक्का शेड भी लगाया, बाद में लगाया इवन, तो पक्का शेड लगाने पे हमें गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली है, तो उसमें उसकी बजाय अगर लोकल शेड लगाते हैं, लोकल शेड यानी कि सर्दियों के जो शेड होते हैं उनमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। पक्के शेड लगाने पर सरकार की ओर से उन्हें करीब 40% सब्सिडी मिलती थी। सब्जियों के शेड में भी ज्यादा मुनाफा आता है। मशरूम की खेती के लिए उनके पास करीब 20 लोग काम करते हैं। 1.5 एकड़ में मशरूम की खेती है और कम लागत में अच्छा मुनाफा हो रहा है। मैंने ये 1.5 एकड़ में काम किया है, तो मुनाफे की बात ये है कि देखो, ये सपोज करो हमारी अगर एक बैच पे हमारा खर्चा 1.5 लाख रुपए आता है, तो हमारा एक रूम से जो कि हमारा 16x55 का रूम है, एसी रूम है, तो एसी सेटअप से हमारा 1.5 लाख खर्चा आता है। उसमें से हमें लगभग 3 लाख तक एज ए रेट के ऊपर डिपेंड है, 3 लाख तक भी हमें इसमें से 3.5 तक भी निकल जाती है हमारी मशरूम। वहीं प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह बताते हैं कि परंपरागत खेती में जैसे गेहूं और धान में किसानों को ज्यादा लाभ नहीं मिलता, अगर मशरूम की खेती सही तरीके से और सही समय पर की जाए तो लागत से दोगुना मुनाफा होता है। उन्होंने जनता से भी आधुनिक खेती करने की अपील की है। परंपरागत खेती में गेहूं और धान में इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको अगर सिस्टमेटिकल किया जाए तो इसमें लागत से दुगना मुनाफा हो जाता है, जितनी हमारी लागत लगती है उससे दुगना मुनाफा हो जाता है, और हम दूसरों को भी काम देते हैं। ऐसे हमने जैसे अभी पीछे हट्स लगाई हुई है, अभी हमने 7-8 हट लगाई हुई थी, उसमें 30-35 बंदों को हमने काम दिया हुआ है। तो ये है कि अगर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो ये एक तो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, विटामिन डी, ये बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको कि आजकल डॉक्टर्स वगैरह भी अपना इसको एफर्ट करते हैं और मेडिसिन में भी यूज होती है हमारी मशरूम। आज प्रदेश का किसान आधुनिक खेती कर प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार भी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। किसानों को आधुनिक खेती करने पर प्रदेश सरकार समय समय पर तमाम स्कीम्स के माध्यम से सब्सिडी दे रही है, जिससे आज किसान सरकार के सहयोग से आधुनिक खेती से लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज की रिपोर्ट। पहले किसान परंपरागत खेती करते थे, बमुश्किल गुजारा हो पाता था, लेकिन आज किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। प्रदेश का किसान आधुनिक खेती कर प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। आज प्रदेश का किसान लाखों में मुनाफा कमा रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तमाम स्कीम्स के माध्यम से किसानों को सब्सिडी भी मिलती है,
जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो सके। प्रदेश सरकार भी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है।